तन चूर थे घर दूर था लाई न गई अब्बा जवा थे अली अकबर भी जवा दो लाश हुसैन से उठाई न गई हुसैन कटाने आए थे फना पे मुहर बका की लगाने आए थे हुसैनियों ने कहे ते खसके थी जाने कहां के फूल कहां मुस्कुराने एक रोज रुबी अमीर मैजर शहादत लेकर आते हैं या रसूल अल्लाह आप और आपके अहले बैत इस पर दस्तखत कर दें। देखा रसूल खुदा ने मैजर शहादत को 72 शहीदों की कुर्बानी और साथ साथ सैलानियों की बेरदाई की शर्त माँ बाप नाना ने दस्तखत कर दिया हसन ने भी दस्तखत कर दिया हुसैन उस मज़्म में मौजूद ना थे भेजा हसन को कहा कि जाओ हुसैन को बुला कर लाओ कि वो भी महजरे शहादत पर दस्तखत कर दें गए हसन एक मकाम पर हुसैन की उस वक्त उनकी उम्र 6 या 7 बरस की थी बहन के साथ मिल गए हसन ने कहा भैया हुसैन चलो नाना बुला रहे हैं चले हुसैन साथ साथ भाई की उंगली पकड़े बहन भी चली क्या उम्र थी उस वक्त जनाबे जैनब की उतना ही सिन था जितना हुसैन की शहादत के वक्त जनाब सकीना का था आए नाना के पास जनाब रिसालत माँ ने महदर शहादत को आगे बुलाते हुए फरमाया बेटा हुसैन ये तुम्हारा महदर शहादत है हम लोगों ने दस्तखत कर दिया है लो तुम भी इस पर दस्तखत कर दो लिया महजर को हाथ में हुसैन ने और पढ़ा महजर शहादत को महजर शहादत को पढ़कर बहन की तरफ देखा और सर को झुका लिया जनाब रिसालत माँ ने फरमाया हुसैन दस्तखत क्यों नहीं करते फरमाया नाना जान मैं 1000 जान से खुदा की राह में कुर्बान होने को तैयार हूँ मगर इतनी इल्तिजा है नाना अल्लाह से कहो कि वो इतना करम करे एक शर्त बेरदाई ज़ैनब को कम करे जनाब ज़ैनब ने जो अपना नाम सुना पूछा भैया हुसैन क्या बात है फरमाया बहन ये महज़ शहादत है जिस पर उम्मत की निजात मुनहसिर है मुझे अब्बास के मरने का गम नहीं अली अकबर के नैजा खाने का और अली असगर के तीर सितम खाने का गम नहीं मुझे अपनी शहादत भी गवारा है मगर ख्याल है तो इतना बहन ज़ैनब क्या हमारे मुहिब्बों के लिए बेरदाई को गवारा करोगी जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया हुसैन उम्मत की शिफात के लिए खुदा की राह में भेजे सब कुछ कबूल है कर दिया हुसैन मज़लूम ने दस्तखत आया वो वक्त जब हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा मदीना वीरान हो रहा है सब छोटे बड़े साथ जा रहे हैं घर में एक मरीज बेटी रही जाती है रात का वक्त है मज़ार रसूल से तो रुखसत हो चुके हैं अब चले जन्नतुल बकी की तरफ के माँ की कब्र से भी विदा हो लूं
जब माँ की कब्र के पास पहुंचे तो बेकरार होकर अपनी कब्र पे लिपट गए, रो रो कर फरमाया, अम्मा तुम्हारा हुसैन रुखसत होने के लिए तुम्हारे पास आया है। मदीने से कल सुबह मैं अहले आयाल देश की तरफ जा रहा हूँ। ऐ अम्मा, एक दिन होता कि मेरे सर पर चार चार बुजुर्गों का साया था, आज मेरे नाम उठाने वाले किसी तरफ नजर नहीं आते। ऐ मादर मेहबान, हुसैन इस अंधेरी रात में एक इल्तिजा लेकर आपके पास आया है। है साथ मेरे सब हरम सैयद अबरार, एक बेटी रही जाती है घर में मेरी बीमार, आया हूँ सिफारिश के लिए उसकी मैं नाचार। ऐ मादर बेकस मेरी सुगरा से खबरदार, जनाब अब्बास से फरमाया, भैया अब्बास साथ में चलने वालों की फहरिस्त तैयार करो। सबसे पहले मर्दों की फहरिस्त तैयार हुई, जिन जिन का नाम आया और उन्हें मालूम हुआ बड़े शाद हुए। औरतों की फहरिस्त तैयार हुई, देखा जनाब ज़ैनब ने कि उस फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है। आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, पूछा, भैया औरतों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं। फरमाया, बहन ज़ैनब, तुम पर मेरा इख्तियार नहीं, जब तक तुम्हारे शौहर इजाजत ना दे मैं तुम्हें साथ ले नहीं जा सकता। आई जनाब ज़ैनब अपने घर, उन दिनों जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार शौहर जनाब ज़ैनब जो के बीमार थे, आई शौहर की बिस्तरे बीमारी के करीब, सिरहाने बैठ गई और कहने लगी, आप जानते हैं कि मेरे बाबा ने किसी साहिल के सवाल को रद्द नहीं किया, आज उनकी बेटी आपके पास एक हाजत लेकर आई है, मुझे उम्मीद है कि आप उस हाजत को जरूर पूरी करेंगे। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, वो कौन सी हाजत है, अगर मेरे इम्कान में होगा तो जरूर पूरी करूंगा। अर्ज की, भैया हुसैन मैं अहले आयाल जाने पे इराक जा रही है, चाहती हूँ कि मैं भैया के हमरा आ जाऊँ। ये सुनकर जनाब अब्दुल्ला कुछ सोच में पड़ गए। फरमाया, ऐसा नहीं ज़रा, तुम तो देखती हो कि मैं बीमार हूँ, तुम्हारे बच्चे भी इस काबिल नहीं है कि मेरी तीमारदारी कर सके, मजबूर हूँ वरना तुम्हें जरूर इजाजत दे देता। ये सुनकर जनाब ज़ैनब प्यास होकर रोने लगी। इधर जनाब ज़ैनब की जिया में मसरूफ थी, नाता जनाब अब्दुल्ला की आँख झपक गई। ख्वाब में देखा जनाब सैयदा कह रही है, ऐ अब्दुल्ला मेरी बेटी के दिल को मत दुखा, उसके भाई के हमरा जाने दो, मैं तुम्हारी तीमारदारी करूंगी। ये देखकर जनाब अब्दुल्ला चौंक पड़े और जनाब ज़ैनब को इजाजत सफर दे दी। शाद हो गई जनाब ज़ैनब, उस हुजरे में गई जहाँ औन मोहम्मद सो रहे थे, बच्चों को जगाया और कहा, फरजंदो मैं भैया के हमरा जा रही हूँ, देखो बाप बीमार है उनसे गाफिल न रहना। चली घर से जनाब अब्दुल्ला ने बच्चों से कहा, जरा अपनी वालिदा को बुला लाओ। दोनों बच्चे माँ को बुलाने आए। जनाब ज़ैनब अभी घर से निकलकर चंद कदम पर ही थी,
बच्चों ने आकर कहा, अम्मा तुम्हें बाबा जान बुलाते हैं। सबकी शायद इरादा बदल दिया हो। गमगीन मलूल वापस हुई, मगर घर में कदम रखते ही फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तुम्हें रसूल खुदा की कसम है, मुझे सफर से ना रोकना। अगर मुझे रोका तो हुसैन के जाने के बाद ज़ैनब जिंदा रहेगी। आपने कहा, मैं तुम्हें सफर की इजाजत दे दी है, बुलाया इसलिए है कि इन दोनों बच्चों को भी हमरा लेते जाओ। मैं बीमारी की वजह से जाने से मजबूर हूँ, मगर करबला में रोजे आशूरा एक को अपनी तरफ से और एक को मेरी तरफ से हुसैन पर कुर्बान कर देना। Say, 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 say